और आइए अब नजर डालते हैं देश की खबरों पर। उमेश पाल हत्याकांड के फरार आरोपियों पर रखा गया इनाम, सभी शूटर्स पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। आरोपियों के घरों पर अब बुलडोजर चलेगा, कागजात की जांच की जा रही है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राधिकरण आरोपियों के संपत्तियों को चिन्हित भी कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज को दहला देने वाली इस वारदात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन का वचन दिया और सबसे पहले एक आरोपी अरबाज पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। अब जानकारी सामने आ रही है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। दरअसल प्रशासन के रडार पर आरोपियों की संपत्ति है। इस खौफनाक हत्याकांड में शामिल रहे अपराधियों के घरों से जुड़े कागजातों को खंगाला जा रहा है। अफसर घरों का नक्शा देख रहे हैं, ऐसे में संभावना है जल्द ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक एसटीएफ के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगा, जिससे साबित होता है कि माफिया अतीक के निर्देश पर ही उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि बरेली जेल में बंद अशरफ ने पूछताछ में ये सनसनीखेज कबूलनामा किया है। वहीं अतीक के करीबी और रेस्टोरेंट संचालक नफीस को एसटीएफ ने करैली इलाके से हिरासत में लिया है। नफीस को अतीक गिरोह का मुख्य फाइनेंसर माना जाता है। नफीस के घर से हमले में इस्तेमाल की गई क्रेटा भी बरामद हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में दावा किया है कि उमेश की हत्या के लिए 16 शूटर गए थे। सदाकत के मुताबिक साजिश अतीक और उसके भाई अशरफ ने की थी। सदाकत ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक मुस्लिम हॉस्टल में हत्या की साजिश रची थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम आपको हॉस्टल के अंदर धीरे धीरे करके लेके चल रहे हैं और समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो अवैध रूप से सदाकत 36 नंबर के कमरे में रह रहा था वहां पर कितने लोग थे। और बताया ये भी जा रहा है कि वहां से कुछ संदिग्ध चीजें भी मिली हैं, यानी कि कुछ ऐसे बताया जा रहा है कि विस्फोटक जो चीजें होती है बनाने की सामग्री उसको भी मिला है। और उस कमरे को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। एसटीएफ की जो टीमें हैं वो भी लगातार यहाँ पर अपना वर्क जो है कर रही है। सदाकत अली जो है वो यहाँ रहते थे, आप देख रहे होंगे यही 36 नंबर कमरा है जस्ट बगल में। लेकिन इसी कमरे में वो अवैध रूप से कई महीनों कई सालों से यहाँ पर रह रहा था, क्योंकि ये अलॉटमेंट इस कमरे की सदाकत अली के नाम से नहीं है, किसी और के नाम से है। लेकिन यहीं से बैठ के पूरी भूमिका की साजिश रची गई और यहीं से बदमाश निकलने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिए हैं।